हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश भर में स्वास्थ्य मार्गदर्शन ने किया बहिष्कार, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का काम ठप। अखिल राजस्थान स्वास्थ्य मार्गदर्शन के संघ के आह्वान पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में लगे ठग स्वास्थ्य मार्गदर्शन संविदा पर लेने की मांग को लेकर शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। पूरे प्रदेश में करीब 1200 कर्मचारी हड़ताल पर है। कोटा जिले में सभी सरकारी अस्पतालों में लगे 54 स्वास्थ्य मार्गदर्शन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे हैं। कर्मचारियों ने MBBS अस्पताल में बने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के काउंटर के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के हड़ताल पर उतरने से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का काम ठप हो गया है। कोटा जिले में रोजाना करीब 1000 मरीजों को योजना का लाभ मिलता है, लेकिन हड़ताल के चलते मरीजों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। स्वास्थ्य मार्गदर्शन संघ के पाली जिला अध्यक्ष कानाराम, महावीर मेवाड़, सुरेश हीरालाल, नरपत पीराराम, घनश्याम अशोक सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि राजस्थान सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। अखिल राजस्थान स्वास्थ्य मार्गदर्शन संघ आह्वान पर राजस्थान के समस्त चिकित्सा संस्थाओं पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य मार्गदर्शन संविदा सेवा नियम में लेने की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे हैं। चिकित्सा संस्थाओं पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य मार्गदर्शक संविदा सेवा नियम में लेने की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे हैं। RMRS में शामिल नहीं करने व यूनियन द्वारा पिछले 1 वर्षों में समय समय पर सरकार को अवगत कराने के बाद भी उनकी मांग को लेकर कोई ध्यान ना देने के कारण हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा। प्रदेश भर में करीब 1200 कर्मचारी तथा कोटे में MBBS JK लोना, नया अस्पताल रामपुरा अस्पताल एच समेत CHC व PHC पर 54 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सरकार का कहना है कि वर्तमान में विभिन्न योजना में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमितकरण कर दिया है, लेकिन चिरंजीवी योजना में कार्यरत कर्मियों को इसमें कोई भी शामिल नहीं किया है, जबकि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इससे सरकार की यह योजना पूरे प्रदेश में ठप हो गई है। इस योजना से अस्पतालों में ना तो भर्ती मरीजों को योजना का लाभ मिल पाया, ना तो कोई डिस्चार्ज हो पाया। जागरूक टीवी के लिए सांडे राव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।